बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 22 अक्टूबर सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने किया रोडवेज के समर्थन में 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार कर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन मुख्यालय हिसार संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार हरियाणा रोडवेज के चल रही लगातार हड़ताल के समर्थन में बिजली कर्मचारियों ने सभी सब डिविजन पर 2 घंटे काम का बहिष्कार करते हुए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के नाम उपमंडल अधिकारी के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे व प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन सभी सब यूनिटों के प्रधानों द्वारा किया गया। यूनियन के राज्य सचिव बंसीलाल, सकल सचिव गोविंद दलाल, यूनिट वरिष्ठ प्रधान ब्लॉक बहादुरगढ़ प्रधान विजेंद्र सैनी, यूनिट प्रधान बलवीर गुड्डा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों की मुख्य मांगों को मानने से दरकिनार कर रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर प्राइवेटाइजेशन नीतियों को बढ़ावा देने के लिए रोडवेज के बेड़े में प्राइवेट 720 बसों को शामिल करने के लिए अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। आम जनता की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंच का संचालन यूनिट सचिव प्रदीप चिकारा ने किया। तीनों डिवीजन के बिजली कर्मचारियों ने सुबह 2 घंटे तक हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के समर्थन में काम का बहिष्कार किया व बहादुरगढ़ विधायक नरेश कौशिक को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से ज्ञापन सौंपा। मैं बंसीलाल, राज्य सचिव ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हमारा पूरा हरियाणा में रोडवेज के समर्थन में 2 घंटे का काम का बहिष्कार करके उपमंडल अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और हम ये सरकार से अपील भी करते हैं और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर रोडवेज के कर्मचारियों की जायज़ मांगों का समाधान अगर नहीं किया तो बिजली कर्मचारी भी संबंधित सर्व कर्मचारी संघ से वो भी कभी भी हड़ताल में जा सकती है, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। और साथ साथ ये कहना चाहते हैं जो सरकारी है 720 परमिट प्राइवेट देने के लिए, उससे ना तो कर्मचारी का भला होना है, ना ही बेरोजगार लोगों का भला होना है, ना ही हरियाणा सरकार के हरियाणा में जो रहने वाले लोग हैं उनका होना है। एक प्राइवेट जो बस चलेगी उससे शोषण की प्रक्रिया को ही बढ़ावा मिलेगा, निजीकरण की प्रक्रिया कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, ना तो सरकार के लिए, ना ही हरियाणा की जनता के लिए, और बेरोजगारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में हमेशा शोषण होता है और सरकारी में मान सम्मान के साथ नौकरी करता है कर्मचारी और सरकार के फायदे की बात सोचता है। और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो अगर आप घाटा कम करना चाहते हैं रोडवेज का, तो आप रोडवेज बेड़े में नई बसें लाइए, कर्मचारी दिन रात एक कर देंगे इसको घाटे से उभारने के लिए। अगर घाटा बढ़ा है तो रोडवेज की बसें कम होने के कारण और यहाँ जो कर्मचारियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घट रही है, उसके कारण घाटा बढ़ा है। अगर इस घाटे को पूरा करना चाहती है सरकार तो रोडवेज के कर्मचारी भी कह रहे हैं भाई हमारा 1 महीने का वेतन आप ले लें और रोडवेज की बसें चलाए, अन्यथा अन्य विभाग भी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, चाहे उसमें कोई भी कदम, चाहे हड़ताल करनी हो, चाहे अनिश्चित काल की भी करनी हो, तो कर्मचारी। आपने 2 घंटे की हड़ताल की और समर्थन दिया, किस विषय में दिया? हमारा हाल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की तरफ से फैसला हुआ था, स्टेट कमेटी ने फैसला लिया कि रोडवेज के जो कर्मचारी 16 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं तो सरकार ने उनके ऊपर ऐसमा जैसे कानून लगा के और उनको गिरफ्तारियाँ करी, जेलों में ठोकने का काम किया और बल का प्रयोग किया, तो उसके विरोध में ये अपने कर्मचारी जो हड़ताल पर चल रहे उन्हीं की बहाली के लिए और जो 720 परमिटरों को निजी हाथों में देने का काम कर रही है उनको बंद करवाने के लिए हमने फैसला लिया और उनके समर्थन में हम उतरे हैं। और सर्व कर्मचारी संघ की आज राज्य स्तरीय मीटिंग चल रही है रोहतक में, तो जैसे भी आह्वान होगा सर्व कर्मचारी संघ जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम तैयार है और ब्लॉक बहादुरगढ़ इनके साथ आज समर्थन के लिए आया है। इसमें मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, MPHW के कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अपना हरियाणा PW गली कल वर्कर यूनियन है, तो तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं वो इनके साथ हैं। और आने वाले समय में हड़ताल भी अगर सर्व कर्मचारी संघ ने करनी पड़ी तो सभी 112 विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं।